दोस्तों, प्रातः वंदन सुप्रभातम। मैं मदनलाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आपके समक्ष हाजिर हूं एक शुभ संदेश और कुछ नई जानकारियों को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है, बाइक बोट हेलो टैक्सी, गो राइड, गोवे इंडिया, टॉप राइड, ग्रीन ग्लोरी, आरएमसीएल जैसे दर्जनों स्कैम्स में हमारे लाखों फौजी भाइयों और लाखों नागरिकों को योजनाबद्ध ढंग से ठग लिया है। ठगों ने सरकारी संरक्षण पाकर और इन सैकड़ों की तादाद में जो ठग देश भर में दर्जनों फर्जी कंपनियां बनाकर उनकी फर्जी पोंजी स्कीम चलाकर एलएमएल के नाम पर, पोंजी स्कीम के नाम पर मोटा रिटर्न का लालच देकर के उन्होंने लाखों लोगों को ठगा है और लाखों करोड़ का ठगी की है। और इस सब माल को, धन को, जनता के पैसे को उन्होंने हड़प लिया है। इन तमाम स्कैम्स को और इनके चलाने वालों को, इन स्कैम्स को अंजाम देने वाले ठगों को दंडित कराने के लिए, बेईमान अधिकारियों और नेताओं को दंडित कराने के लिए, आपका धन आपको वापस दिलाने के लिए ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन पिछले काफी दिनों से संघर्ष कर रही है। और उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ है कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम की जांच सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सीबीआई के हवाले कर दी गई है। और कुछ ही दिनों में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इन तमाम ठगों को दबोचकर तिहाड़ जेल भेज देगी। इन ठगों की तमाम संपत्तियों को सीज कर दिया जाएगा, नीलाम करवा दिया जाएगा और आपको आपका पैसा वापस दिलाया जाएगा। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आप लोगों को, जितने भी पीड़ित हैं, चाहे वो बाइक बोट टैक्सी स्कैम के पीड़ित हों, टॉप राइड के हों, हेलो टैक्सी के हों, ग्रीन ग्लोरी के हों, आरएमसीएल के हों, हेलो टैक्सी के हों, गोवे इंडिया के हों, अन्य जितनी भी इस तरह की फ्रॉड कंपनियां हैं, चाहे वो हमारा वाहन ई रिक्शा हो, चाहे वो गर्वित ई बाइक्स हो, मार्स हो, हाइड्रोकैलिक अकॉर्ड हो, अल्पाइन कॉलेज हो, जितने भी इस तरह के संस्थान बने थे फर्जी, जिन्होंने जनता के धन को लूटा है योजनाबद्ध ढंग से, उन सभी पर संपूर्ण प्रतिबंध लगवाने के लिए, इन ठग कंपनियों के चलाने वाले ठगों को जेल भिजवाने के लिए, आपके बैंक लोन माफ करवाने के लिए और आपको सरकार से मुआवजा दिलाने के लिए और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना करवाने के लिए ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2019 को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करने जा रही है। मैं सबसे पहले आप सबको इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करता हूं कि चाहे कोई बाइक बोट स्कैम के पीड़ित हों, चाहे हेलो टैक्सी के, चाहे गोवे इंडिया के, चाहे टॉप राइड के, चाहे आरएमसीएल के, चाहे ग्रीन ग्लोरी के, चाहे हमारा रिक्शा ई वाहन के और चाहे किसी भी कंपनी के ठगी पीड़ित साथी भाई बहन हों, वो सब 2 अक्टूबर 2019 को सुबह 11 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पर सादर आमंत्रित हैं। हमारे सेमिनार का जो मुख्य लक्ष्य है वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमारे इस राष्ट्रीय सेमिनार का जो लक्ष्य है वो ये है कि हम देश के सभी विद्वानों को इसमें सादर आमंत्रित कर रहे हैं, बड़े बड़े कानूनविदों को बुला रहे हैं। इसमें हम आपको जागरूक करेंगे। इस सेमिनार में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा
और उस प्रस्ताव को पारित करके भारत सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कानून मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को भेजा जाएगा, ताकि तमाम पीड़ितों को उनकी डूबी हुई रकम वापस मिल सके, उनके ऊपर जो बैंकों के लोन हैं, जिस लोन को ठगों ने उनसे ठग लिया, झांसा दे करके उस लोन को माफ करवाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, हाल ही में जो हमारी संसद ने अनियमित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019 पारित किया है, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि अनियमित जमा राशि जुटाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा, अनियमित जमा राशि जुटाने वाली योजना का प्रचार प्रसार अथवा संचालन पर या उसको प्रमोट करने वालों को 10 साल तक का कठोर दंड दिया जाएगा, जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी और डिफॉल्ट करने पर कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, और यदि किसी कंपनी के पास इतनी संपत्ति नहीं है कि वो पीड़ितों को उनसे की ठगी हुई रकम वापस कर सके मैं ब्याज के, तो राज्य यानी सरकार उस ठगी हुई रकम के दो गुना राशि पीड़ित को 180 वर्किंग डे के अंदर अंदर वापस करेगी। ये प्रावधान है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के, और ये कानून हमारी संसद ने बहुमत से पारित किया है, सर्वसम्मति से पारित किया है, दोनों सदनों ने पारित किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ दलाल और ठग किस्म के लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन किसी भी पीड़ित को कोई मुआवजा नहीं दिलवा पाएगी, उनका पैसा वापस नहीं करवा पाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 22 फरवरी 2019 को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने एक अध्यादेश जारी किया था, उस अध्यादेश का नाम भी अनियमित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश 2019 था, और उसमें भी ये सारे प्रावधान थे जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में हैं। उसी अध्यादेश को हमारी संसद ने कानून का रूप दिया है, और इस कानून पर हमें अमल करवाने के लिए 2 अक्टूबर 2019 को इस सेमिनार का आयोजन करना है, बड़े ढंग से करना है, इसमें हजारों की तादाद में सम्मिलित होना है, और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को सौंपना है कि भारत सरकार इस कानून का क्रियान्वयन अविलंब सुनिश्चित करे और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के प्रावधानों के तहत बाइक बोट स्कैम, हेलो टैक्सी स्कैम, गो राइड स्कैम, टॉप राइड स्कैम, गोवे इंडिया स्कैम, ग्रीन ग्लोरी स्कैम, RMCL स्कैम्स इत्यादि जितने भी स्कैम्स हुए हैं, उन सब के पीड़ितों को अविलंब 180 वर्किंग डेज के तहत उनका पैसा मैं जुर्माने मैं ब्याज के वापस करवाए। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितनी भी LML के नाम पर हिंदुस्तान में फ्रॉड कंपनियां चल रही हैं, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया मिशन को ठगी मिशन में बदल दिया है, और हमारे 1.5 लाख से ज्यादा फौजी भाइयों को, लाखों अन्य सरकारी कर्मचारियों को, अर्धसैनिक बलों के लोगों को, लाखों किसानों और मजदूरों को और छोटे व्यापारियों को ठग लिया है, हम ऐसी तमाम कंपनियों को बंद करवाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमने ये संकल्प लिया है, ये शपथ ली है कि हम अपने भारत देश को ठग मुक्त बेईमान रहित देश बनाएंगे, और जो भी लोग इस तरह की पोंजी स्कीम्स के द्वारा मोटे रिटर्न का लालच दे करके हमारे देश के भोले भाले नागरिकों को ठगते हैं, लूटते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं, ऐसे तमाम दुष्टों को हम कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे, उनकी संपत्तियां सील करवाएंगे और तमाम पीड़ितों को सरकार से राहत दिलवाएंगे।
जैसा कि आप सबको पता है, बाइक बोट टैक्सी स्कैम के शिकार, हेलो टैक्सी स्कैम के शिकार, गोवी इंडिया स्कैम के शिकार, आरएमसीएल स्कैम के शिकार लोगों ने बैंकों से कर्ज लेकर, फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेकर अपने घरों की जमा पूंजी को इन कंपनियों की फ्रॉड स्कीम में निवेश करके अतिरिक्त आय के झांसे में फंसकर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इन कंपनीज की फ्रॉड स्कीम्स को समझकर अपनी जमा पूंजी को लगाया था, बैंकों से कर्ज लेकर लगाया था और बैंकों के कर्जे के कारण, फाइनेंस कंपनियों के कर्जे के कारण लाखों परिवारों की आज ये स्थिति है कि उनके घरों के चूल्हे जलने बंद हो गए हैं, बैंकों की किस्त जमा करते करते लोगों का पूरा वेतन बैंकों की ईएमआई भरने में जा रहा है और उनके घरों में भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम इस स्थिति को बदलने के लिए, इस भयावह संकट से अपने तमाम नागरिकों को निकालने के लिए, तमाम पीड़ित साथियों को कर्जों से मुक्ति देने के लिए, तनाव से मुक्ति देने के लिए, अशांति से मुक्ति देने के लिए 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर जंतर मंतर के ऊपर इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी सरकार जनता की आवाज को, उसकी न्यायपूर्वक मांग को दबा नहीं सकती। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है, जनता सर्वोपरि होती है और जनता की न्यायपूर्ण मांग को, जनता के आदेश को किसी भी सरकार को मानना ही होता है। यदि आप सब लोग संगठित होकर, एकताबद्ध होकर ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का सहयोग करेंगे, उसके साथ अपनी आवाज को मिलाएंगे, तो हम सरकार से आपके कर्जे भी माफ कराएंगे, अनियमित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019 के तहत हम आपको आपसे ठगी हुई रकम की दोगुना राशि वापस दिलाएंगे और जिन ठगों ने योजनाबद्ध ढंग से आपको ठगा है उन ठगों को दंडित कराएंगे। ये तय है, इसे कोई कोरा आश्वासन न समझे, राजनीतिक भाषण ना समझे, कोई कूटनीतिक चाल ना समझे, ये सच्चाई है। मैं सच्चाई से आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूं। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का एकमात्र लक्ष्य आपको न्याय दिलाना है, आपका पैसा आपको वापस दिलाना है। और ये पैसा कैसे आपको वापस मिल सकता है, इसके लिए हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जंतर मंतर नई दिल्ली पर इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने आयोजन कमेटी का गठन किया है। और इस आयोजन कमेटी में हम देश के हर राज्य से, हर जिले से दो दो सक्रिय साथियों को, बुद्धिमान साथियों को चुन रहे हैं कि वो अपने अपने राज्य में, अपने अपने जिले में, अपनी अपनी तहसील में, अपने अपने गांव में, अपनी अपनी कॉलोनी में इस सेमिनार का प्रचार प्रसार करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को बापू जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को सुबह 11 बजे दिल्ली जंतर मंतर लेकर के आए, ताकि हम सरकार को बता सकें, समझा सकें कि हे सरकार, तेरी रहनुमाई में ठगों ने हमारे देश के लाखों फौजी भाइयों को, हजारों पुलिस कर्मियों को, अर्धसैनिक बलों के जवानों को इस तरह से ठग लिया है और इन ठगों को दंडित करने के लिए, पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने के लिए सरकार तुम्हारा ये दायित्व बनता है, तुम्हारे कानून ये कहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी का अध्यादेश ये कहता है, आईपीसी ये कहती है, सीआरपीसी ये कहती है,
सिविल लॉ ये कहते हैं और हमारा संविधान ये कहता है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस ये कहती हैं तुम इनका पालन करो। यदि आपने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का, भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया तो ये जो लाखों लोग हैं जिनसे लाखों करोड़ रुपया ठगों ने लूट लिया है योजनाबद्ध ढंग से, ये लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई को डुबो बैठने के गम में मौत को गले लगा लेंगे। और यदि लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार के रहते हुए ऐसा होता है कि लाखों की तादाद में लोग आत्महत्या करने को विवश हो जाएं, ठगों के समक्ष समर्पण कर दें, तो ये लोकतंत्र पर कलंक होगा, एक चुनी हुई सरकार पर बदनुमा दाग होगा। हम सचेत करेंगे सरकार को कि सरकार ईमानदारी पूर्ण ढंग से इन तमाम स्कैम की जांच 180 डेज के अंदर अंदर करे, दिल्ली में इनका स्पीडी ट्रायल हो, सीबीआई के अंदर एक एसआईटी का गठन किया जाए और वो एसआईटी तुरंत जांच करके अपनी जांच रिपोर्ट स्पीडी ट्रायल कोर्ट में दाखिल करे और स्पीडी ट्रायल कोर्ट तमाम पीड़ितों को उनका पैसा अनियमित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019 के प्रावधानों के अनुरूप तुरंत वापस दिलाए, ताकि देश में जो ये राष्ट्रीय आपदा आ गई है, एक तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त आपदाएं होती हैं, लेकिन इसको हम प्राकृतिक आपदा तो नहीं कहेंगे, परंतु दोस्तों ये ऐसी राष्ट्रीय आपदा अवश्य है जिसे योजनाबद्ध ढंग से ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर कुछ ठगों द्वारा भारतवर्ष में लाया गया है। 2 अक्टूबर 2019 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू का जन्मदिन है, क्योंकि ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन का जो लोगो है, ट्रेडमार्क है, प्रतीक चिन्ह है, वो राष्ट्रपिता बापू के चश्मे को बनाया गया है और इस मिशन की आड़ में ही तमाम ठगों ने, चाहे वो बद्रीनाथ तिवारी की हाइड्रोलिक एकॉर्ड कंपनी हो, मार्स हो, चाहे वो गर्वित इनोटिव प्रमोटर्स लिमिटेड हो, चाहे वो गर्वित ई बाइक हो, चाहे टॉप राइड हो, चाहे एसएमपी हो, चाहे हेलो टैक्सी हो, चाहे वो आरएमसीएल हो, चाहे वो येलो बिट हो, ऑक्सी 300 हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं टॉप राइड हो, चाहे हमारा रिक्शा ई वाहन हो, इन तमाम कंपनियों ने क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया मिशन के नाम पर ही पूज्य बापू के चश्मे को दिखा दिखा करके ही हमारे देश के सैनिकों को और आम जनता को ठगा है, लूटा है, उनके साथ फरेब किया है, धोखा किया है, छल किया है। इसलिए दोस्तों 2 अक्टूबर का दिन बड़ा ही पावन पवित्र दिन है। इस ऐतिहासिक दिन पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर हम देश की राजधानी दिल्ली में इस सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं और मैं समझता हूं इस दिन जो सेमिनार होगा वो बहुत विशाल होगा, राष्ट्रीय स्तर का होगा, अद्भुत होगा और वो इस लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगा। और इसी दिन ये तय हो जाएगा कि अब कोई भी ठग भारत भूमि पर खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा, उसे जेल के सीखों के पीछे जाना होगा और सरकार को आपका पैसा वापस करना होगा, आपको कर्ज मुक्त बनाना होगा, आपको तनाव रहित बनाना होगा। इसलिए दोस्तों आप सबको 2 अक्टूबर 2019 को सुबह 11 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पर उपस्थित होना है और इस सेमिनार में शामिल होकर, सहभागी बनकर अपनी अपनी समस्या, अपने अपने विचार, अपनी अपनी रणनीति को ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के समक्ष प्रस्तुत करना है, ताकि हम आगे की रणनीति बना सकें और योजनाबद्ध ढंग से जल्दी सरल से सरल तरीकों से आपको न्याय दिला सकें, सम्मान दिला सकें, आपका पैसा आपको वापस दिला सकें। जय हिंद।
अच्छा,